तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। मैं हूं आपका दोस्त साहिद खान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्किन फिट शर्ट की कटिंग करना। दोस्तों, इस शर्ट की कटिंग जो है हम बिल्कुल फिटिंग में करते हैं। आजकल के जो लड़के हैं वो शर्ट को बिल्कुल फिटिंग में पहनना पसंद करते हैं, तो ये कटिंग उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फिटिंग में पहनना पसंद करते हैं शर्ट को। तो दोस्तों, जैसे आपको नॉर्मल फिटिंग की शर्ट की कटिंग चाहिए तो हम उस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें। तो दोस्तों, चलिए इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 27.5 इंच इसकी लंबाई है, 16 इंच इसका तीरा है, 34 इंच इसका सीना है, 18 इसकी कमर है, 23.5 इंच बाजू की लंबाई है और 14.5 इंच इसका जो है कॉलर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। दोस्तों, मार्किंग हमारी उल्टे हिस्से पर होती है, तो सबसे पहले हम इस वाली स्केल को लेंगे। एक मार्क हम साइड से लगाएंगे, ये मार्क हम 2 इंच का लगा लेते हैं या इससे भी कम आप लगा लें, 1.5 इंच का लगा लें। जैसे आप 1.25 इंच की फैशन पट्टी डालेंगे तो आप 1.5 इंच का निशान लगा लें। तो इस तरीके से हम इसे लगा लेते हैं। एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। अब हमारी जो लंबाई है, लंबाई का हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 27.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी के बराबर में हम यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। एक मार्क हम और लगाएंगे, वो निशान लगाएंगे हम 0.5 इंच का, क्योंकि जब हम बॉटम फोल्ड करेंगे उसके लिए हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 16 इंच, तो 16 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच, प्लस हम इसमें 0.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो 8.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम लोग आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे? तो आर्मोल का निशान हमारा सीने का 1/4 भाग करके लगता है। इसको हम फिटिंग में काट रहे हैं तो हम इसमें 0.5 इंच माइनस करके लगाएंगे। यदि आपको ज़्यादा ही फिटिंग में चाहिए तो आप 0.25 इंच भी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे। जैसे हमारा इसका चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस हम इसमें 0.25 इंच माइनस करके लगाएंगे तो 0.75 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसको एकदम फिटिंग में काट रहे हैं। इसके लिए इस मार्क को हम सीधा करेंगे। इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। हले का निशान लगाएंगे। तो हले का निशान सीने का 12वां हिस्सा लगता है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। इन मार्कों को हम सीधा कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसमें राउंड दे देंगे। अब कंधी को हम डाउन करेंगे, तो कंधी हम इसमें डाउन करते हैं 1.5 इंच। यदि दोस्तों किसी के शोल्डर ज़्यादा ही डाउन है तो उसके लिए आप 1.25 इंच कंधी डाउन कर लें, और किसी के शोल्डर जैसे कम है, ज़्यादा डाउन नहीं है, तो आप 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं। तो इसमें हमने 1.5 इंच कंधी डाउन की है, तो जितना हमने यहाँ पे डाउन किया है उतना ही हम यहाँ से अंदर ले लेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें
फिटिंग में रखना है, आर्मोल भी हमें इसे फिटिंग में रखना है, सीने को भी फिटिंग में रखेंगे, कमर को भी फिटिंग में रखेंगे और यहाँ पर भी हम हिप पर भी फिटिंग में रखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, इस निशान को सीधा कर लेंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग यहाँ से आधा इंच अंदर को लेते हैं तो उनके आर्मोल में आपने अक्सर देखा होगा उनके आर्मोल में झोल रहती है। जब आप यहाँ पर अंदर ज़्यादा ले लेंगे, जितना हमने यहाँ पे लिया है उतना ही हम यहाँ से लेंगे, तो हमारे जो आर्मोल में झोल आती है वो आना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। अब सीने का हम निशान लगाएंगे, तो सीना है हमारा 34 इंच, तो 34 का हम 1/4 भाग करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच। तो इस तरीके से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस हम इसमें जो यहाँ पे हम लूजिंग देंगे वो लूजिंग देंगे हम यहाँ पर 1.5 इंच की, इस तरीके से। अब दोस्तों इस वाले निशान को हम नाप लेंगे, ये हमारा आ रहा है 10 इंच। तो दोस्तों हम हिप में किस तरीके से लगाएंगे, तो जैसे हमारा ऊपर 10 इंच आया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0.5 इंच कम करके, क्योंकि हमें नीचे जो हिप है वो बिल्कुल फिटिंग में चाहिए। तो इस तरीके से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, कमर का निशान लगाएंगे। तो इन दोनों मार्कों को हम नापेंगे, नापने के बाद जितना हमारा आधा आएगा सेंटर का, तो इस तरीके से हम इसको आधा कर लेंगे और निशान लगा लेंगे कमर का। इस वाले मार्क को सीधा करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 30 इंच, तो 30 का 1/4 भाग हुआ 7.5 इंच, प्लस हम इसमें जो मार्जिन है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1.25 इंच का, इस तरीके से। अब दोस्तों इस तरीके से हमारे ये मार्क लग गए हैं। अब हम इसमें शेप देंगे, तो इस तरीके से सेफर को हम लेंगे और यहाँ से मिलाकर हम इस तरीके से रखेंगे सेफर को और शेप दे देंगे। नीचे की शेप हम किस तरीके से देंगे चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से सेफर को रखेंगे और शेप दे देंगे। आर्मोल में आपको हाथ साधकर शेप देनी है, इस तरीके से आर्मोल में आप शेप दे दें। अब हमें इसे नीचे एप्पल कट में रखना है, यानी ओपन बॉटम रखना है। तो ओपन बॉटम के लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे 2 इंच का। यदि दोस्तों जैसे आपको ज़्यादा ही राउंड चाहिए तो आप 2.25 इंच पे लगा लें। इसमें हम इस तरीके से राउंड दे देंगे। कॉलर हमारा इसमें जो है वो अटैच होगा 14.5 इंच का। इसकी हमारी जो है मार्किंग लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरीके से हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले के लिए हम पहले कपड़ा बिछा लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पल्ले को बिछा लिया है। दोस्तों यहाँ से हमने ऊपर बिल्कुल बराबर मिलाकर बिछाया है। यहाँ से बैक हमारी जो है आधा इंच छोटी कटती है, तो इसके लिए हमने जो फ्रंट का पल्ला है वो आधा इंच बाहर की तरफ निकाल कर बिछाया है। अब दोस्तों इसमें कंदी हम बिल्कुल बराबर पे काटेंगे, क्योंकि हम इसमें डबल तीरा लगाएंगे। जब हमारा डबल तीरा लगता है तो वो छोटा लगता है, तो इसमें जो तीरा लगेगा वो 3.5 इंच का लगेगा। तो इस तरीके से हम इसमें मार्क करते हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर था 16 इंच, तो 16 का हाफ हुआ 8 इंच, प्लस हम इसमें आधा इंच पे आधा इंच का मार्जिन लेके निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पर। इस तरीके से हम सेफर को लेंगे और इस वाले वाले पॉइंट से हम मिलाएंगे इस तरीके से, और हम इसमें राउंड दे देंगे, क्योंकि दोस्तों इस साइड को हम बिल्कुल फिटिंग में काट रहे हैं। बहुत से लड़के जो है बिल्कुल टाइट फिटिंग मांगते हैं, तो उनके लिए ये कटिंग है। दोस्तों आपको लूज फिटिंग या नॉर्मल फिटिंग की शर्ट की कटिंग चाहिए, तो हम उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर जाकर आप आसानी के साथ सीख सकते हैं, और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी हम आपको आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी साइड कटिंग कर ली है। अब नीचे हम बॉटम किस तरीके से कटिंग करते हैं, तो दोस्तों जैसे हमारा ये बॉटम है तो इस बॉटम पर हम मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमने मार्क लगाया है बॉटम का, इस वाले मार्क से हम 2 सूत या आधा इंच तक आप छोटा काट सकते हैं। तो ये होगा जो आपकी बैक कटिंग के दौरान बढ़ जाती है, यानी स्टिचिंग के दौरान आपकी बैग जो बढ़ जाती है वो बढ़ने की जो समस्या है वो नहीं आएगी आपको। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। हम यहाँ पर चटका लगा लेंगे। बैग की और फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसको क्रॉस कर लेंगे। तो एक मार्क हम ऊपर से लगाएंगे, मार्क लगाने के बाद दोस्तों हम लंबाई का निशान लगाएंगे बाजू की। तो दोस्तों बाजू की हमारी लंबाई है 23.5 इंच। तो दोस्तों 23.5 इंच में हम 1 इंच माइनस करेंगे, 22.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जो कफ है वो 2.25 इंच का लगाएंगे। आप 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम सीधा करेंगे। अब दोस्तों जो हमने शर्ट का आर्मोल कट किया था, वो आर्मोल कट किया था हमने 7.25 इंच। तो इस तरीके से 7.25 इंच में हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो 7.25 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम क्रॉस में निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। इसकी सीध में आप आना चाहिए। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। दोस्तों इस वाले निशान से एक दूसरा भी तरीका है बाजू को डाउन करने का। तो यहाँ से आप 3.5 इंच डाउन करके भी निशान लगा सकते हैं। तो इस वाले निशान को हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों अब हम निशान लगाएंगे कोहनी का। तो कोहनी का निशान हम लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से निशान लगाएंगे हम 12 इंच पर इस तरीके से। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 5 इंच का, क्योंकि दोस्तों हम इसमें प्लेट नहीं डालेंगे। इसमें जो कफ है हमारा 7.5 इंच का आराम से एडजस्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच का, या आप 6 इंच का भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम 6 इंच का निशान लगा देते हैं। अब दोस्तों हम सेफर से इसमें सेप देंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो हमने निशान लगाए हुए हैं वो सही लगे हैं या हमारे मिस्टेक है।
तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये दोस्तों देखिए एकदम अच्छी तरीके से निशान आ गए हैं। ऊपर से हम राउंड देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी बाजू में जो है मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों सामने वाले पल्ले में हम गड्ढा देते हैं जो हमारे फ्रंट की तरफ चढ़ता है। तो इस तरीके से हम पल्ले को खोल कर रख लेंगे और यहाँ से हम राउंड देंगे इसमें इस तरीके से, और एक चटका लगा लेंगे। ये हमारा हो गया सामने वाला हिस्सा और ये हमारा बैक साइड की तरफ रहेगा। दोस्तों बैक साइड में हमारी जो है चाक पट्टी बनती है, तो इस तरीके से हम इसमें चाक पट्टी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे कि कपड़े के तीन भाग हो जाएं। तो दो भाग हमारे ये हैं और एक भाग हमारा ये फोल्ड हो गया है। इस तरीके से आप फोल्ड करें और यहाँ पर नाखून से लाइन बना लें जिससे पता रहे। अब चाक पट्टी हम कितनी रखेंगे, तो इसमें हम 5.25 इंच खोलेंगे चाक पट्टी। इस तरीके से हम इसमें कट कर लेंगे। कट करने के बाद हल्का सा इस तरफ क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो है बाजू की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम शोल्डर की कटिंग करेंगे तीरे की। तो तीरे की के लिए हमारा ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम तीरे की कटिंग करेंगे। इसमें हम डबल तीरा लगाएंगे। इस तरीके से हम इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दोस्तों फोल्ड करने पे आपको ध्यान रहे कि कम से कम हमारा जो कपड़ा है वो 6 इंच या 6.5 इंच होना चाहिए, तभी हमारा जो है तीरा निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, एक बार नाप कर देख लेंगे कि जो हमारा तीरा है वो निकलेगा कि हमारा कपड़ा कम पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमने कपड़ा बिछाया हुआ है वो सही से बिछा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच का। इस निशान को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम एक निशान उठाएंगे हाले का, बैक हाले का। तो यहाँ से उठाएंगे 2 इंच का और यहाँ से साइड से करेंगे हम 2.5 इंच। और तीरे का निशान लगाएंगे हम, तीरा है हमारा 16 इंच, तो 16 का आधा करेंगे 8 इंच हुआ, प्लस हम आधा इंच का मार्जिन और ऐड कर लेंगे इसमें। इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेते हैं। इन मार्कों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे। और शेप दे देंगे। तो दोस्तों मार्किंग हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इन तीरों को हम आपस में अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों तीरे कट हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे शर्ट की फुल कटिंग हो गई है। यदि दोस्तों आपको शर्ट की स्टिचिंग करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप शर्ट की स्टिचिंग करना आसानी के साथ सीख सकते हैं। यदि दोस्तों आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए,
जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।